नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यह मई माह का करंट अफेयर है, मई माह का। आइए शुरुआत करते हैं। और यह स्पीडी का करंट अफेयर है। लगातार स्पीडी पब्लिकेशन की जो पुस्तकें होती हैं बहुत ही अच्छी होती है। स्पीडी पब्लिकेशन की जो करंट की पुस्तक आती है आमतौर पर बहुत सारी परीक्षाओं के लिए वह रामबाण पुस्तक मानी जाती है। इसलिए अगर उस पुस्तक को परचेज नहीं किए हैं तो परचेज कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं मंथली वाइज पूरा का पूरा करंट अफेयर दे रहा हूँ स्पीडी पब्लिकेशन का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चार माह खत्म हो गए, यह मई माह है। इस तरह से अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। स्पीडी करंट अफेयर 2020 के नाम से प्लेलिस्ट बन के तैयार है। सारे करंट अफेयर मंथली वाइज मिल जाएंगे आप लोग को और टॉपिक वाइज मिल जाएंगे जो भी 2020 के करंट अफेयर होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। मई माह का करंट अफेयर है। 1 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो मजदूर दिवस मनाया गया है। 1 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? मजदूर दिवस। 1 मई 2020 को किन राज्यों ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया था? तो गुजरात और महाराष्ट्र। 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी बंबई राज्य से अलग करके। तो यह अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है 1 मई 2020 को गुजरात और महाराष्ट्र ने। 1 मई 2020 को वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार ग्रहण किया है वित्त मंत्रालय में तरुण बजाज। 1 मई 2020 को G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? सऊदी अरब की अध्यक्षता में। तो G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक हुई है सऊदी अरब की अध्यक्षता में हुई है। 1 मई 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को चुना गया है निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए। 1 मई 2020 को दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? तो रामायण धारावाहिक के नाम दर्ज है। 2 मई 2020 को किस राज्य की सरकार ने शहरी जनता को 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है? तो शहरी जनता को 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। 2 मई 2020 को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है मणिपुर के डॉक्टर हैं थोंगजाम धवाली सिंह को। मणिपुर के डॉक्टर थांगजाम धवाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बने हैं। 2 मई को किन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए जीआई टैग किसे मिला हुआ है? कश्मीरी केसर को और कोविलपट्टी की कदलाई मित्तई को। कोविलपट्टी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में एक जगह है कोविलपट्टी, यहाँ की कदलाई मित्तई को जीआई टैग मिला है। यह जो कदलाई मिट्टई है मूंगफली की कैंडी, मूंगफली से बनाई जाने वाली मिठाई है जिसे कदलाई मिट्टई बोलते हैं स्थानीय भाषा में, और तमिलनाडु के कोविलपट्टी में पाई जाती है। तो इन दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है। 3 मई 2020 को असम सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए कितनी राशि के लिए बीमा कवर की घोषणा की है? तो असम की सरकार ने राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा कवर देने का ऐलान किया है। 50 लाख रुपए का। 3 मई 2020 को वाडा ने किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो वाडा एक प्रकार का रोधिंग एजेंसी है। तो यह डिस्कस थ्रो खिलाड़ी संदीप कुमारी हैं, इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है वाडा ने। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है वाडा ने। 3 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? इसकी थीम क्या थी? तो देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है 3 मई को मनाया जाता है, इसकी जो थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फॉरएवर, यह इसकी थीम थी। 3 मई 2020 को जर्मनी ने कहा कि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को प्रतिबंध किया है? तो जर्मनी ने लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को प्रतिबंधित किया है, या जो लेबनान में जो आतंकी संगठन है वो है हिजबुल्लाह, और इसको प्रतिबंधित किया है जर्मनी ने। 3 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व हास्य दिवस। तो देखिए 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है और 3 मई को विश्व हास्य दिवस भी मनाया जाता है। 3 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हास्य दिवस।
4 मई 2020 को अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा देने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना है? अपने लोगों को मुफ्त और मतलब अपने राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। 4 मई 2020 को ऑनलाइन आयोजित नाम शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? नाम शिखर सम्मेलन जो होता है वह गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन होता है। तो नाम शिखर सम्मेलन की मुख्य थीम क्या थी? तो यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड 19 यह थीम थी नाम शिखर सम्मेलन की थीम थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड 19 और यह 4 मई को आयोजित हुआ था। 4 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों का विशेष शिखर सम्मेलन किसके पहल पर किया गया? और यह जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह सम्मेलन हुआ था और यह सम्मेलन किसके पहल पर किया गया? तो अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्ताम अतीयेफ की पहल पर। अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं इल्ताम अतीयेफ, इनके पहल पर गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ था। 4 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 4 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया है 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया है। 5 मई 2020 को विश्व स्वच्छता दिवस 2020 का थीम क्या था? तो देखिए, विश्व स्वच्छता दिवस जो मनाया जाता है 5 मई को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी? सेव लाइफ क्लीन योर हैंड इसकी थीम थी। और विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 5 मई को, सेव लाइफ क्लीन योर हैंड इसकी थीम थी। 5 मई को किस विषय के साथ विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व स्वच्छता दिवस 5 मई को, विश्व अस्थमा दिवस जो मनाया जाता है वो भी 5 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम थी इनफ अस्थमा डेथ इसकी थीम थी। 5 मई को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है और 5 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। तो इसकी जो थीम थी विश्व अस्थमा दिवस की वह थी इनफ अस्थमा डेथ इसकी थीम थी। यह दिमाग में बैठा लें, इनफ अस्थमा डेथ जो थी यह विश्व अस्थमा दिवस की थीम थी। 5 मई को मनाया जाता है। 5 मई को नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार किसे दिया गया है? नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार जो दिया गया है सौरभ लोढ़ा को नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार दिया गया है सौरभ लोढ़ा को। 5 मई 2020 को रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तरी कोरिया के तानाशाह हैं किम जोंग, उनको दिया गया है द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया है। उत्तरी कोरिया के तानाशाह हैं किम जोंग, उनको। 5 मई 2020 को भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन के कारण भारत में वर्तमान रोजगारी दर कितनी हो गई है? तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र जिसको CMEI भी बोलते हैं, तो इनके अनुसार लॉकडाउन के कारण भारत में बेरोजगारी दर जो हो गई है 27.1% हो गई है बेरोजगारी दर लॉकडाउन के कारण। और यह जो जांच जो किया है, आंकड़े प्राप्त किए गए हैं CMEI के द्वारा प्राप्त किए गए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के द्वारा। 6 मई 2020 को घोषित पुलित्जर पुरस्कार 2020 के तहत फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में भारत के किन किन तीन फोटोग्राफरों को पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए, पुलित्जर पुरस्कार 2020 जो दिया गया है फोटोग्राफरों को दिया गया है और यह तीन भारतीय फोटोग्राफर हैं डार यासीन मुख्तार खान और चन्नी आनंद। इन तीन लोगों को पुलित्जर पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। तीनों फोटोग्राफर हैं डार यासीन मुख्तार खान और चन्नी आनंद। 6 मई 2020 को भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस नाम से ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु। मालदीव में जो भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। 7 मई 2020 को किस गैस के रिसाव के कारण विशाखापत्तनम स्थित फार्मा कंपनी LG पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट में बड़ा हादसा हुआ जिसमें 20 लोगों की जान गई? वह कौन सा गैस था? स्टायरीन गैस था। और स्टायरीन गैस के रिसाव के कारण यह हादसा हुआ था विशाखापत्तनम स्थित फार्मा कंपनी, व कंपनी का नाम था LG पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट। और किस गैस का रिसाव हुआ था? स्टायरीन गैस। और इसमें 20 लोगों की जान गई थी। 7 मई 2020 को ईरान के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली है? मुस्तफा अल कादेमी। ईरान के अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मुस्तफा अल कादेमी। ईरान के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर किस कौन शपथ लिए हैं? मुस्तफा अल कादेमी।
ईरान के अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मुस्तफ़ा अल कादेमी। 7 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने कोरोना की महामारी से सुरक्षा के लिए आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी से सुरक्षा के लिए आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। 7 मई 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक किसे बनाया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक किसे बनाया गया है? तरुण बजाज को। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक किसे बनाया गया है? तरुण बजाज को। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक कौन बने हैं? तरुण बजाज। 7 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व एथलेटिक्स डे। विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है 7 मई को। 7 मई को मनाया गया है विश्व एथलेटिक्स दिवस। 7 मई को मनाया गया है विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई 2020 को कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार ने किस नाम से निकासी अभियान आरंभ किया है? वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन। 8 मई 2020 को ईरान ने अपना सांकेतिक मुद्रा रियाल का नाम बदलकर क्या रखा है? तोमन। तोमन रखा है, तोमन। और एक तोमन जो होता है वह 10,000 रियाल के बराबर होता है। 8 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया गया है 8 मई को मनाया गया है। 8 मई 2020 को किस राज्य की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। 8 मई 2020 को किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर के 159वें जन्मदिन पर तेल अबीब की एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा है? तो इसराइल। रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती थी जिस पर इसराइल ने एक तेल स्ट्रीट का नाम तेल अबीब की एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा है, टैगोर स्ट्रीट। 9 मई 2020 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपनी कोरोना वायरस टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किस सेवा प्रदाता के साथ करार किया है? तो भारतीय डाक सेवा के साथ। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने अपनी कोरोना वायरस COVID-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किस सेवा प्रदाता के साथ करार किया है? तो भारतीय डाक सेवा के साथ। 9 मई 2020 को मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की ग्रोथ को कितने को पिछले अनुमान 2.6% से घटाकर कितना प्रतिशत घोषित किया है? तो 0%। मतलब मूडीज ने जो अनुमान घोषित किया है GDP का 0% घोषित किया है। 11 मई 2020 को भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? तो पैरा एथलीट दीपा मलिक। 11 मई 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 11 मई 2020 को किस राज्य की सरकार ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। 12 मई 2020 को ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज का खिताब किसने जीता है? ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज का खिताब किसने जीता है? चीन ने। ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज का खिताब किसने जीता है? चीन ने। 12 मई को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो मनाया गया है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो मनाया गया है 12 मई को मनाया गया है। इसकी जो थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ये इसकी थीम थी। 12 मई 2020 को कोरोना वायरस महामारी प्रकोप से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रुपए की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रुपए की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा किया है? तो 20 लाख करोड़। 12 मई 2020 को फंड कप हर्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? फेड कप हर्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा। फेड कप हर्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा। फेड कप हर्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा। फेड कप हर्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा से। 13 मई 2020 को COVID-19 से लड़ने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितने बिलियन का ऋण दिया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितने बिलियन का ऋण दिया है? $2 बिलियन का ऋण दिया है। COVID-19 से लड़ने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को $2 बिलियन का ऋण दिया है। 13 मई 2020 को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा किसे चुना गया है? तो भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा बना है बेंगलुरु का कैंपोगोडो हवाई अड्डा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष बने हैं मनोज आहूजा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान है 74वां स्थान है।
14 मई 2020 से भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन से यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है? आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप। 14 मई 2020 को किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना, तेलंगाना। किसानों को फसल उगाने के लिए निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। 14 मई 2020 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बी विद्यापति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? बी विद्यापति, बी विद्यापति। 14 मई 2020 को युवाओं को रोजगार देने हेतु किस राज्य की सरकार ने होप पोर्टल शुभारंभ किया है? उत्तराखंड, उत्तराखंड सरकार ने। 15 मई 2020 को किस विषय के साथ 25वां अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है? 25वां अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है, 25वां अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है 15 मई को। 25वां अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है 15 मई को। इसकी जो थीम थी फैमिलीज इन डेवलपमेंट, और इस तरह बस इतना याद कर लीजिए, फैमिली इन डेवलपमेंट, फैमिली इन डेवलपमेंट। और लास्ट में बस इतना थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बीजिंग +25। तो 15 मई को विश्व, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम थी फैमिली एंड डेवलपमेंट, और बाद में 25, ऐसे याद कर लीजिए। 16 मई 2020 को स्वयं को कोरोना मुक्त घोषित करने वाला भारत पहला यूरोपीय देश कौन है? स्वयं को कोरोना मुक्त घोषित करने वाला पहला यूरोपीय देश है स्लोवेनिया, स्लोवेनिया। 16 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो मनाया गया है 16 मई को मनाया गया है। 17 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दूर संचार दिवस जो मनाया गया है 17 मई को मनाया गया। इसकी जो थीम थी कनेक्ट 2030, कनेक्ट 2030 ICTS फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ऐसे याद कर लीजिए। 17 मई 2020 को किसने पांचवीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं पांचवीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, पांचवीं बार। 17 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया गया है? विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया गया है 17 मई को, विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया गया है 17 मई को। देखिए विश्व दूर संचार दिवस भी मनाया गया है 17 मई को, और विश्व हाइपरटेंशन दिवस भी मनाया गया है 17 मई को। इसकी जो थीम थी मेजर योर ब्लड प्रेशर कंट्रोल इट एंड लाइव लॉन्गर, इसकी थीम थी। थीम जरूर याद कर लिया करिए आप लोग, नहीं याद करना है तो थोड़ा सा मन में रखिए कि ऐसे ऐसे करके है। 17 मई 2020 को किसे जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? जुबैर इकबाल। जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? जुबैर इकबाल, जुबैर इकबाल। 18 मई 2020 को राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए किस राज्य की सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरुआत किया है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने। 18 मई 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो मनाया गया है 18 मई को मनाया गया है। इसकी जो थीम थी म्यूजियम फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजिंग, ये इसकी थीम थी। 18 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इसकी थीम थी क्या? म्यूजियम फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी, ऐसे करके याद कर लीजिए। 19 मई 2020 को भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप उम्मेन। भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप उम्मेन। भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप उम्मेन। 19 मई 2020 को नेपाल सरकार द्वारा जारी अपने मानचित्र में भारत के किन क्षेत्रों को नेपाल के हिस्से में दिखाया गया था? तो देखिए नेपाल ने एक काम किया था, उसने गलत कार्य किया था, उसने मानचित्र बनाया था, नया मानचित्र बनाया था, उसमें भारत के कुछ हिस्से को अपने देश में दिखा रहा था। तो वह कौन कौन सा हिस्सा था हमारे देश का? लिपुलेख, काला पानी और लिपियांधुरा, लिपुलेख, काला पानी, लिपियांधुरा। कुल 395 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र भारत का वो अपने हिस्से में दिखा रहा था नेपाल। 19 मई 2020 को कोविड 19 लॉकडाउन के कारण शुरू होने वाले दुनिया के पहले खेल इवेंट कौन बने हैं? तो देखिए कोविड 19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन बना है? तो देखिए बुंडेलेसिगा फुटबॉल लीग, बुंडेलेसिगा फुटबॉल लीग। कोविड 19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाले दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन बना है? बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग। 20 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में किस विषय के साथ तीसरा विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है? विश्व मधुमक्खी दिवस जो मनाया जाता है 20 मई को मनाया जाता है, और तीसरा विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है 20 मई को। इसकी थीम थी सेव द बी, सेव द बी, इसकी थीम थी सेव द बी। 20 मई को वीडियो
वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? कोटक महिंद्रा बैंक। वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बना है? कोटक महिंद्रा बैंक। 20 मई 2020 को किस तूफान ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई है? अल्फान तूफान। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी तूफान मचाई है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही कौन मचाया है? कौन सा तूफान? अल्फान तूफान। 20 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए पादुका चढ़ अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश पुलिस ने जो भी प्रवासी मजदूर चल रहे थे। 20 मई 2020 को रेलवे के किस जोन ने मरीजों के लिए रेल बोट रोबोट विकसित किया है? तो दक्षिणी मध्य रेलवे ने रेल जोन के मरीजों के लिए रेल बोट रोबोट विकसित किया है। 20 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नाम के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? नाम जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के का देश है, नाम उनका संगठन है नाम। तो देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नाम मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री ओगेट सिसिलाओ, अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री हैं ओगेट सिसिलाओ, और भारत की ओर से डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया था। 21 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। 21 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस जो मनाया गया है 21 मई को मनाया गया है। 21 मई को संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पहल पर पहली बार कौन सा दिवस मनाया है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 22 मई 2020 को नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? गोविंदा रांजलू चिंटला नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, गोविंदा रांजलू चिंटला। 22 मई 2020 को पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा देश कौन बना है? पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा देश बना है भारत, पहले स्थान पर चीन है। 22 मई 2020 को डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य मिजोरम है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मौद्रिक नीति में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और MSF की दर क्या निर्धारित की गई? तो देखिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और MSF की जो दर निर्धारित की गई है, तो रेपो रेट है 4%, रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35% और MSF की दर जो है वह 4.25% है। आमतौर पर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ध्यान रखिएगा कि रेपो रेट है 4% और रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35%। 23 मई 2020 को विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? आभास झा को। विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? आभास झा को। जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? आभास झा को। जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? आभास झा को। 23 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? कछुआ दिवस। 23 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? कछुआ दिवस। 23 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? कछुआ दिवस। 24 मई 2020 को कहाँ स्थित पुहू होनू ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया? हवाई द्वीप जो मध्य अमेरिका का देश है, तो यहाँ पर एक ज्वालामुखी है पुहू होनू ज्वालामुखी। यहाँ पर ज्वालामुखी है पुहू होनू ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर। यह विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा ज्वालामुखी है पुहू होनू ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर है, मध्य अमेरिका का देश है हवाई द्वीप वहाँ पर। 25 मई 2020 को किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया है? बलबीर सिंह सीनियर। किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया है? बलबीर सिंह सीनियर का। दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया है 25 मई को? दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व थायराइड दिवस मनाया गया है 25 मई को। 26 मई 2020 को किस राज्य की सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। 26 मई 2020 को किस देश की टेनिस स्टार जेमी हेम्पटन ने संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो देखिए टेनिस स्टार जेमी हेम्पटन ने संन्यास लेने की घोषणा किया है। किस देश की स्टार है? अमेरिका की टेनिस स्टार जेमी हेम्पटन ने संन्यास लेने की घोषणा किया है। 26 मई 2020 को समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला भारत का पहला मध्य अमेरिकी देश कौन है? कोस्टारिका। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश है कोस्टारिका।
26 मई 2020 को किस ब्रिटिश लेखिका ने अपनी नई पुस्तक द इकाबाग का इंटरनेट संस्करण जारी किया है? तो देखिए, किस ब्रिटिश लेखिका ने अपनी नई पुस्तक द इकाबाग का इंटरनेट संस्करण जारी किया है? जेके रोलिंग। 27 मई 2020 को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मेजर सुमन गौनी को। 27 मई 2020 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक द्वारा किस नाम से एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? कैचअप एक एप्लीकेशन है जो फेसबुक ने लॉन्च किया है, यह कॉलिंग एप्लीकेशन है। 27 मई 2020 को नाइजर में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? नाइजर में भारत के अगले राजदूत बने हैं पी के नायर। 27 मई 2020 को किस भारतीय वैज्ञानिक को इन्वेंटर ऑफ ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजीव जोशी। 28 मई 2020 को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र बत्रा को। ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है नरेंद्र बत्रा को। 28 मई 2020 को एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राजमार्गों के उन्नयन के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 177 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए, एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राजमार्गों के उन्नयन के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 177 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 29 मई को किस ज्योतिषी का निधन हो गया है? बेजान दारूवाला का। अजीत जोगी का निधन हो गया। वे किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। 29 मई 2020 को विप्रो का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? विप्रो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? थियोरा डेलापोर्ट। विप्रो के नए कार्यकारी अधिकारी बने हैं थियोरा डेलापोर्ट। 29 मई 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त शांति सुरक्षा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस मनाया गया है 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सुरक्षा दिवस मनाया गया है नहीं अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस मनाया गया है 29 मई को। इसकी जो थीम थी ओमेन इन पिकअपिंग ए के टू पीस, ऐसे करके याद कर लीजिए। 30 मई 2020 को एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक किसे बनाया गया है? एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक कौन बनी है वेंकटा रमानी सुमंत्रन। 30 मई 2020 को विश्व डोपिंग रोधिंग एजेंसी वाडा ने किस भारतीय धाविका पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? किरणजीत कौर पर। वाडा ने किस भारतीय धाविका पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? किरणजीत कौर पर। 30 मई 2020 को किस राज्य की सरकार ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? गोवा। 30 मई 2020 को किस राज्य की सरकार ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? गोवा। 31 मई 2020 को न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मार्कोस ट्राइजो। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं, मतलब एनडीबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? मार्कोस ट्राइबो जो ब्राजील के हैं, ये अध्यक्ष बने हैं मार्कोस ट्राइजो ब्राजील के हैं। 31 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है? इसकी थीम क्या थी? तो देखिए, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्रीज मल्टीप्लिनेशन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम, ऐसे ऐसे याद कर लीजिए बस, दिमाग में बस बैठे, इतना लंबा आप नहीं याद कर पाएंगे लेकिन दिमाग में बैठाए रखिए कि इसके बाद ये आता है, ऐसे याद कर लेते हैं। 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान योग को प्रोत्साहन करने के लिए किस नाम से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया? तो 31 मई को कोविड-19 महामारी के दौरान योग को प्रोत्साहन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया था माई लाइफ माई योगा। कोविड-19 महामारी के दौरान योग को प्रोत्साहित किया था नरेंद्र मोदी ने और इस प्रतियोगिता का नाम था माई लाइफ माई योगा। 31 मई 2020 को फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? रोजर फेडरर। फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची जारी की गई है जिसमें रोजर फेडरर जो है वो पहले स्थान पर है। भारत के खिलाड़ी हैं विराट कोहली जिनका स्थान है 66वां। सर्वाधिक कमाई करने वाले विश्व के खिलाड़ियों में विराट कोहली का स्थान है 66वां।
ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारे सेकंड चैनल बुक्स अड्डा को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए, यह मई 2020 का पूरा करंट अफेयर था। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, स्पीडी करंट अफेयर 2020 के नाम से प्लेलिस्ट बनके तैयार है। जितना भी 2020 का जितना भी करंट अफेयर है स्पीडी का, वह सब कुछ उपलब्ध करा रहा हूं। और ये जो भी प्रश्न है बहुत ही रामबाण है परीक्षा की दृष्टि से, इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।